हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे 11.3 का प्रश्न संख्या 11 से। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे 1 से लेकर 10 तक। आज हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 11। बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5। ये दिया है, लिखेंगे गिव है दैट दो प्लेन मेरे पास है। दो प्लेन क्या है, x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z इक्वल टू 1, नंबर 1। दूसरा प्लेन है 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5। ये नंबर क्या होगा, 2। ये जो दोनों प्लेन है, दोनों प्लेन आपस में प्रतिच्छेद किया है, तो हमने कहा सिंस लिखेंगे, सिंस द गिवन प्लेन्स आर इंटरसेक्शन, देन x प्लस y प्लस जेड प्लस लेमडा यहां होगा 2x प्लस 3y प्लस 4z और इक्वल टू 1 प्लस 5 लेमडा। इस समीकरण को हम लोग यहां को आगे बढ़ेंगे, ये दोनों लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस y प्लस जेड प्लस यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 2x लेमडा 3 लेमडा वाई प्लस 4 लेमडा जेड और इक्वल टू 1 प्लस 5 लेमडा होगा। अब x और यहां भी x है तो ये होगा, देखो x प्लस 2 लेमडा x होगा, तो हम लोग x क्या करेंगे, कॉमन करेंगे तो 1 प्लस क्या मिलेगा, 2 लेमडा मिलेगा। 1 प्लस क्या मिलेगा, 2 लेमडा। उसी तरह से यहाँ y है, ये भी y है, जब y कॉमन करेंगे तो 1 प्लस 3 लेमडा मिलेगा और प्लस 4 लेमडा प्लस क्या मिलेगा, 1। तो देखिए इस और इसमें से x कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, x कॉमन करेंगे तो 1 प्लस 2 लेमडा x प्लस 1 प्लस 3 लेमडा वाई प्लस 1 प्लस 4 लेमडा जेड इक्वल टू 1 प्लस क्या होगा, 5 लेमडा होगा, 5 लेमडा। अब डायरेक्शन बताइए, इस डायरेक्शन अगर रेशियो देखेंगे तो डायरेक्शन रेशियो क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 लेमडा, एक क्या मिलेगा 1 प्लस 3 लेमडा और 1 प्लस क्या होगा, 4 लेमडा। और यह समीकरण क्या हो जाएंगे, इसको हम लोग मानेंगे 3। यह जो प्लेन है, एक प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो लिखेंगे यहां से सिंस द प्लेन 1 इज क्या होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अब ये जो प्लेन है, इस प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होता है, सिंस ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू क्या होगा, 0 होता है। अब यहां से ए निकलेगा, ये x का कोफिशियंट क्या है, 1 प्लस 2 लेमडा है, तो ये a1 के काम करेगा। ये देखिए a1 और ये b1 और ये क्या करेगा, c1। यहां से a2 b2 और c2, तो ये देखिए क्या है, इसका 1 और ये क्या है, 1 प्लस 2 लेमडा, 1 प्लस 2 लेमडा इंटू 1 प्लस फिर 1 प्लस 3 लेमडा इंटू 1 प्लस 1 प्लस 4 लेमडा इंटू 1 इक्वल टू 0। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 प्लस
टू लेमडा, वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन प्लस क्या मिलेगा थ्री लेमडा प्लस वन प्लस फोर लेमडा इक्वल टू जीरो। इसको जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, देखिए टू लेमडा थ्री लेमडा और फोर लेमडा, ये क्या मिलेगा देखिए नाइन लेमडा मिलेगा प्लस वन प्लस वन प्लस वन क्या मिलेगा थ्री इक्वल टू जीरो मिलेगा। अब आगे बढ़ेंगे, इधर गया तो क्या लेकर के माइनस माइनस, तो लेमडा इक्वल टू क्या होगा माइनस थ्री बाई नाइन, एक कटेगा लेमडा इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री आ जाएगा, माइनस वन बाई क्या आया थ्री आया। अब हम लोग क्या करते हैं पुट करेंगे, तो ए हो जाएगा पुट लेमडा इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री इन वन इन थ्री, समीकरण थ्री क्या है वन प्लस टू लेमडा वन प्लस टू लेमडा एक्स वन प्लस थ्री लेमडा वाई और वन प्लस फोर लेमडा इक्वल टू वन प्लस फाइव लेमडा। वन लेमडा का वैल्यू क्या है माइनस वन बाई थ्री, तो लिखेंगे माइनस वन बाई थ्री इंटू एक्स प्लस वन प्लस थ्री इंटू माइनस वन बाई थ्री वाई प्लस वन प्लस फोर माइनस वन बाई थ्री इक्वल टू वन प्लस फाइव इंटू माइनस वन बाई थ्री है। ठीक है आगे बढ़ेंगे, वन माइनस टू बाई थ्री, देखिए टू इंटू वन टू मिलेगा माइनस प्लस माइनस बटा थ्री, ये हुआ एक्स प्लस ये थ्री से थ्री कटेगा तो वन माइनस वन इंटू वाई प्लस वन माइनस प्लस माइनस फोर बट्टा थ्री इक्वल टू वन माइनस फाइव बट्टा थ्री होगा। आगे सोल्व करेंगे तो इसके नीचे वन ये क्या होगा थ्री हो जाएगा, तो थ्री हो जाएगा तो क्या मिलेगा थ्री माइनस टू एक्स प्लस एक हटाएंगे तो जीरो वाई प्लस थ्री माइनस फोर बट्टा थ्री और यहाँ भी थ्री माइनस फोर बट्टा क्या होगा फाइव बाई थ्री होगा, थ्री में से टू घटाएंगे तो क्या मिलेगा वन वन बाई थ्री एक्स, ये तो जीरो हो जाएगा, थ्री में से घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस वन क्या आएगा माइनस वन बाई थ्री जेड आ जाएगा। ठीक है और यहां से क्या हो जाएगा जेड जेड वन प्लस फाइव लेमडा। प्लस इक्वल थ्री में से फाइव कटाएंगे तो माइनस टू बाई थ्री आएगा। आगे सोल्व करेंगे तो एक्स बाई थ्री माइनस जेड बाई थ्री और यहाँ से माइनस टू बाई क्या होगा थ्री, एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा थ्री मिलेगा, थ्री से मल्टीप्लाई एक्स माइनस जेड इक्वल टू क्या होगा माइनस टू बाई थ्री, ए कटेगा ये भी कटेगा तो आएगा एक्स माइनस जेड और इक्वल टू माइनस टू। अगर हम इसको इधर एक्स माइनस जेड और प्लस टू इक्वल टू जीरो यह प्लेन का किया गया समीकरण। प्रश्न संख्या 12 बोलता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स विच वेक्टर इक्वेशन आर गिवन दैट आर वेक्टर डॉट टू आई कैप टू जे कैप और थ्री ए कैप इक्वल टू फाइव एंड आर वेक्टर डॉट थ्री आई माइनस थ्री जे प्लस फाइव के इक्वल टू थ्री। ये फॉर्मूला होता है क्या होता है मीन ऑफ डैश, यहां से हम लिख देते इधर लिख देते हैं मीन ऑफ डैश। देखिए कॉस थीटा इक्वल टू एन वन कैप
डॉट ए टू कैप बटा एन वन कैप का मोड अब मोड ऑफ ए टू कैप का, ये होता है आपका कॉस थीटा इक्वल टू दो वेक्टर, अगर दो प्लेन दिया रहेगा और दोनों प्लेन का हम लोग एंगल निकालेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू लगाएंगे एन वन कैप डॉट ए टू कैप बटा मोड ऑफ एन वन कैप और मोड ऑफ एन टू कैप। यहाँ देखिए इस वाले को हम लोग क्या मानेंगे, एन वन कैप इक्वल टू टू आई प्लस टू जे माइनस क्या होगा थ्री कैप। अगर एन वन का मोड निकालेंगे तो मोड क्या होगा अंडर रूट, देखिए टू का हम क्या करेंगे स्क्वायर, फिर टू का स्क्वायर और माइनस थ्री का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या मिलेगा जी, देखो फोर मिलेगा, फोर मिलेगा और तीन थ्री के नौ, इसको हम जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद कितना मिलेगा सत्रह मिलेगा। फिर यहाँ से एन टू लेंगे, एन टू कैप क्या होगा सेकेंड वाले प्लेन से थ्री आई माइनस थ्री जे प्लस फाइव जे, तो मोड इसको हम लोग निकालेंगे तो मोड क्या मिलेगा देखिए रूट ये थ्री स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर और प्लस फाइव का स्क्वायर होगा, थ्री का स्क्वायर नाइन, थ्री का स्क्वायर नाइन, फाइव का स्क्वायर टू फाइव हो जाएंगे और इसको हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना होगा फोर के थ्री हो जाएगा रूट में। अब एक वेक्टर क्या है एन वन डॉट एन टू, एन वन डॉट एन टू निकालेंगे तो एन वन डॉट क्या हो जाएगा एन टू, यहां से लिखेंगे एन वन डॉट एन टू, एन वन डॉट एन टू, एन वन का वैल्यू क्या है एन वन का वैल्यू देखेंगे तो टू आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस थ्री के कैप होगा, एन टू, एन टू का वैल्यू क्या है यहाँ लिखेंगे थ्री आई कैप माइनस थ्री जे और प्लस क्या होगा फाइव के कैप होगा। आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ हम लोग डॉट करवाएंगे, आई डॉट आई इक्वल टू वन, जे डॉट जे इक्वल टू वन और के डॉट के इक्वल टू वन। अब यहाँ से तीन दुना की क्या होगा छह माइनस प्लस माइनस माइनस तीन दुना के छह माइनस क्या है थ्री और प्लस फाइव है तो माइनस क्या होगा पंद्रह, एक कटेगा तो क्या आएगा माइनस पंद्रह आएगा ठीक है। अब यहां से लिखेंगे कॉस थीटा, देखिए एन वन कैप डॉट एन टू कैप क्या दिया है माइनस पंद्रह बटा मोड ऑफ एन वन कैप रूट सत्रह एन टू फोर्टी थ्री है ठीक है, और इसको हम क्या लिखेंगे मोड में, अगर यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू लिखेंगे तो मोड आएगा बाहर में और दोनों के लिए हम लोग क्या देंगे एक ही रूट देंगे और सत्रह गुना कितना करेंगे फोर्टी थ्री। यहाँ से एक कंडीशन है शॉर्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा इक्वल टू देखिएगा तीन से मल्टीप्लाई करेंगे सत्रह को तो सत्रह दिया इक्यावन, इक्यावन होगा तो हम लोग क्या करेंगे वन लिखेंगे, हासिल मेरा कितना होगा फाइव, फोर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सत्रह चौदह कितना होगा अड़सठ, अड़सठ और पांच कितना हो जाएगा तिहत्तर और सभी का देंगे रूट। जब थीटा लिखेंगे तो क्या होगा कॉस इनवर्स पंद्रह बटा रूट सात सौ एक अधिक ए हो जाएगा इस प्रश्न का। तो अगर दो प्लेन दिया है वेक्टर फॉर्म में तो पहले से हम एन वन लिखेंगे, दूसरे से एन टू लिखेंगे, एन वन का मोड निकालेंगे, मोड निकालने के लिए ये कंडीशन होता है एन टू लिखेंगे, एन टू दूसरे वाले से लिखेंगे और एन टू को मोड निकालेंगे तो थ्री का स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर और प्लस फाइव का स्क्वायर करके जोड़ देंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा के यही फॉर्मूला होता है कि दो वेक्टर का डॉट बटा दोनों वेक्टर का मोड करेंगे तो मिल जाएगा ये कॉस थीटा, एन वन डॉट एन टू इक्वल टू माइनस है बाहर निकलेगा प्लस होगा, एन वन मोड ऑफ एन वन मोड ऑफ एन टू दोनों के रखेंगे, दोनों रूट में है ये सिंगल रूट कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे सात सौ कितना मिलेगा इकतीस बार।
चलेंगे हम लोग नंबर नंबर 13 बोला है दो कंडीशन है, इसमें दो प्लेन दिया है और दोनों प्लेन क्या होना चाहिए या समांतर हो, समांतर और लंब, ठीक है, समांतर और लंब। अगर समांतर और लंब है तो उस कंडीशन में आप कॉस थीटा नहीं मतलब एंगल फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों एक भी कंडीशन बोला है, अगर समांतर या लंब नहीं है तो हम कॉस थीटा निकालेंगे। पहला प्लेन दिया है, देखिए 7x + 5y + 6z + 30 = 0 है। अब बताइए इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो डायरेक्शन रेशियो बोलेगा a1 = 7 होगा, b1 = 5 होगा, c1 = 6। दूसरा प्लेन क्या दिया है, 3x - y - 10z + 4 = 0। इसका डायरेक्शन रेशियो बोलिएगा a2 = क्या होगा, 3 होगा, b2 = -1 और c2 = क्या होगा, -10 हो जाएगा। हम लोग यहाँ दो कंडीशन पढ़े, अगर दो प्लेन समांतर हैं, दो प्लेन क्या रहेंगे, समांतर रहेंगे, तो a1 a2 = b1 b2 = c1 c2 होगा, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर रहेंगे, परपेंडिकुलर कहने के मतलब लंब, तो a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = क्या होगा, 0 होगा। अब इसको पहला कंडीशन हम लिखते हैं, देखिए क्या लिखेंगे, a1 a2 का वैल्यू क्या है, 7 है, a2 = क्या है, 3 है, अच्छा b1 b2 अलग अलग निकाल लेते हैं तो 5 - 1 एंड c1 c2 = क्या है, 6 - 2। तो यहां से देख रहे हैं कि a1 a2 7y b है, 5y - 1 है और यहाँ पे 6y - 10, तो आपस में तीनों इक्वल नहीं है, तो a1 a2 not equal b1 b2 not equal c1 c2। तो लिखेंगे therefore the given planes are, क्या लिखेंगे, not, सेकेंड कंडीशन हम लोग देखेंगे परपेंडिकुलर, कौन सा देखेंगे कंडीशन, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में क्या होता है, देखिए परपेंडिकुलर होता है a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = क्या होगा, 0 हो जाएगा। एंड लिखेंगे, अब देखिए a1 a2 + b1 b2 + c1 c2, ठीक है, इक्वल टू क्या लिखेंगे, A1 का वैल्यू क्या है, 7 है, A2 का वैल्यू 3 है, 7 × 3 + 5 × -1 + 6 × -10। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा, 21 - 5 - क्या होगा, 7 हो जाएगा, 21 - क्या होगा, 65 होगा। अब इसको हम लोग घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो क्या होगा, 46 क्या होगा, माइनस में, ये 0 के इक्वल नहीं आया, तो लिखेंगे a1 a2, ठीक है, नोट a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 नोट इक्वल टू 0, ये 0 के कंडीशन में नहीं आ रहा है, तो हम बोलेंगे इसलिए देयरफॉर द गिवन
प्लेन्स आर नॉट क्या करेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, एक टाइम प्लस पांच, ठीक है, तो फोर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग एंगल निकलेगा, ठीक है, जब ए समांतर भी नहीं है और लंब भी नहीं है। अब देखो यहां से क्या करेंगे हम लोग, कॉस थीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कॉस थीटा, जीरो डैश कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू बटा, यहां से हम लोग क्या करेंगे रूट निकालेंगे, ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर सी वन स्क्वायर, ए टू स्क्वायर बी टू स्क्वायर और सी टू स्क्वायर, सभी का क्या करेंगे मोड निकालेंगे। तो कॉस थीटा इक्वल टू होगा क्या, देखिए ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू और प्लस क्या है सी वन सी टू, क्या निकाले हैं माइनस में फोर बी फोर निकाले हैं बटा ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर सी वन का स्क्वायर। देखो ए वन ए बी वन और सी वन सात का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, देखिए सात का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, मतलब सेवन का स्क्वायर फाइव का स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर हो जाएगा इनटू, आगे बढ़ेंगे देखो एट कहां से लेंगे यहां से लेंगे तो क्या होगा थ्री का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर और प्लस माइनस टेन का स्क्वायर होगा, ठीक है, इस सब का मोड हो जाएगा ना। उसके बाद लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू माइनस क्या होगा 44 होगा, सात का स्क्वायर बताएंगे क्या होगा 9 प्लस 25 और 36, ठीक है, इस रूट होगा। आगे बढ़ेंगे फिर से रूट ले लेंगे, चलिए आगे बताएंगे 3 का 9 प्लस 1 प्लस क्या होगा 100 हो जाएगा। अब यहां से लिखिए ये क्या होगा cos थीटा इक्वल टू माइनस क्या है, जब मोड से बाहर निकलेगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 100 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो ए भी क्या आएगा 110, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा 44 और रूट 110, 100 क्या होगा 10 हो जाएगा, 110 एक कटेगा cos थीटा इक्वल टू कितने से काटेंगे कटेगा, ठीक है, कितने से कटेगा देखिए 22 से काटेंगे, ठीक है, तो 22 दुना के कितना होगा 44 और 22 बचे कितना होगा 210 यानी कि 2 बटा क्या होगा 5 होगा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा cos इनवर्स 2/5। ये देखो दो प्लेन है, एक 13 में क्या दिया है दो प्लेन है और दोनों प्लेन अगर ए समांतर और लंब कहने के मतलब परपेंडिकुलर, समांतर और क्या होगा परपेंडिकुलर नहीं होगा, उस कंडीशन में आपको कॉस थीटा मतलब दोनों प्लेन के बीच का एंगल ज्ञात करना है, जो कॉस थीटा इक्वल टू ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू बटा कितना हो जाएगा रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर इंटू रूट क्या होगा ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर होगा, और ए क्या मिला थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/5 मिला। अब हम लोग नंबर क्या देखेंगे, नंबर क्या हो गया बी गिवन दैट दो प्लेन दिया है
टू एक्स प्लस वाई प्लस थ्री जेड माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब इसका डायरेक्शन रेशियो बताएंगे, डायरेक्शन रेशियो ए वन बराबर टू होगा, बी वन बराबर वन, सी वन बराबर क्या होगा थ्री होगा, ठीक है। दूसरा प्लेन क्या है, एक्स माइनस टू वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो होगा। एक अब इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो बताएंगे, ए टू इक्वल टू वन, बी टू इक्वल टू माइनस टू, और सी टू इक्वल टू क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएगा, ठीक है। सी टू इक्वल टू क्या होगा जीरो। अब पहला कंडीशन है, देखिए नंबर वन जो कंडीशन बोला है आपको, दोनों प्लेन के क्या होना चाहिए समांतर, तो हम लोग चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए कंडीशन होता है ए वन ए टू, ए वन बटा ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू और सी वन बाई सी टू। अगर ए वन बाई ए टू हम निकालते हैं तो क्या मिलेगा, ए वन बाई टू टू बटा टू बाई वन, ठीक है। उसके बाद बी वन बाई बी टू निकालेंगे तो क्या आएगा, वन बाई माइनस टू आएगा, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, सी वन बाई सी टू, तो ये थ्री बाई क्या आएगा जीरो। तो इसमें हम देखेंगे ए वन ए टू, ठीक है, नॉट इक्वल क्या होगा बी वन बी टू, और नॉट इक्वल सी वन बाई क्या होगा सी टू। यहाँ देखो टू बाई वन है और यहाँ वन बाई माइनस टू है, इक्वल तो नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल बी वन बाई बी टू और नॉट इक्वल सी वन बाई सी टू। तो यह जो प्लेन है वो प्लेन क्या है, समांतर नहीं है। तो हम लिखेंगे द गिवन प्लेन्स, ठीक है, आर क्या करेंगे आर नॉट ए पाई वन, ठीक है, यह समांतर नहीं है। क्या यह समांतर नहीं है। अगला कंडीशन है, दूसरा पूछा है परपेंडिकुलर, क्या पूछा है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहने के मतलब क्या है लंब, परपेंडिकुलर कहने के मतलब क्या है लंब। लंब होने के लिए क्या करेंगे, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू क्या होता है जीरो। ये जब भी प्लेन अगर दो परपेंडिकुलर होते हैं दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलना चाहिए जीरो मिलना चाहिए। ए वन का वैल्यू क्या है, ए वन का वैल्यू टू है, टू इन टू, ठीक है, वन। ए टू का वैल्यू वन है, क्या है वन है, प्लस बी वन क्या है बी वन वन है, और बी टू कितना है माइनस टू, प्लस सी वन क्या है थ्री और सी टू क्या है जीरो। अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, अब सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें टू माइनस टू प्लस जीरो, और काटेंगे तो क्या मिलेगा ये जीरो, टू में से टू घटेगा जीरो। देखो एनएचएस अगर हम लेंगे ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू निकालेंगे तो क्या आएगा हमेशा जीरो। यह प्लेन क्या है परपेंडिकुलर है, तो लिखेंगे देयर फोर, ठीक है, द गिवन प्लेन्स, ठीक है, आर परपेंडिकुलर। तो ये जो दिए गए प्लेन है कैसा है, परपेंडिकुलर है। अब आगे नंबर क्या है, देखो तेरह है, ठीक, तेरह की क्या करेंगे सी डी और क्या है ई, ठीक है, और क्या है ई। अब तीनों ए बी जैसा बना है उसी टाइप का सी बनेगा, उसी टाइप का डी बनेगा और उसी टाइप का ई बनेगा। अगर ए प्लेन था, यह एक प्लेन और ए प्लेन अगर ए समांतर नहीं हुआ और दूसरा क्या है परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है। अगर यह पहला जो प्लेन था, पहला कंडीशन था वो समांतर नहीं हुआ और दूसरा कंडीशन क्या है परपेंडिकुलर हुआ, तो इस कंडीशन में हम इस दोनों प्लेन के बीच का कोई एंगल फाइंड नहीं करेंगे। यदि यह दोनों जो प्लेन था
यदि ये दोनों प्लेन अगर ये समांतर और लंब भी नहीं होता तब हम क्या करेंगे, कॉस थीटा निकालेंगे। तब क्या निकालेंगे, कॉस थीटा। और नहीं होगा तो इसको हम लोग नहीं बनाएंगे आगे। तो सी और डी और ई इसी टाइप का है, आप इसको सॉल्व करके ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अब अगले क्लास में।